हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्या आ रहा सकते शॉर्ट। क्या आ रहा सकते शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है, इफ़ कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.6 देन शो दैट 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। तो अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें आपको जो है डेसिमल वैल्यू नहीं मिली थी, लेकिन यहाँ पर देखिए कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो डेसिमल में लिखी हुई है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे हम 0.6 को, तो 6/10, क्योंकि हम अगर 6 में 10 से डिवाइड करें तो वो वैल्यू जो हो जाती है 0.6 हो जाती है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 6/10, और इसे कट करें तो ये हो जाएगा 2 3 6 और 2 5 10, मतलब कि 3/5। अब हमारे लिए थोड़ा आसान हो चुका है ये। हमें जो वैल्यू चाहिए रेशियोज़ की वो है साइन थीटा और टेन थीटा की। सबसे पहले हम बनाते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे ये 90 डिग्री हुआ, ये थीटा हुआ। तो कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या हो गया यहाँ पे 3, और हाइपोटेनस मतलब कि 90 डिग्री के सामने वाला, और ये हुआ आपका 5। आपको यहाँ फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम ये हुआ एच स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एच आपको यहाँ पर मिल रखा है 25, इसका हुआ 25 हो गया। पी है आपको फाइंड करना है, और बेस जो है वो है 3। तो यहाँ से ये हो चुका है 25, ये हुआ आपका पी का स्क्वायर, और ये हुआ 9। 25 में से 9 माइनस करेंगे उधर ले जा करके, तो ये हो जाएगा आपका 16। और जब 16 को हम अंडर रूट में डालेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 4, मतलब कि जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रखी है वो है 4। अब हमें क्या करना है, जो रेशियोस ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया है यहाँ पर, ये पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे देखिए 16 आ रही है, और 16 को जब मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया है तो पी से स्क्वायर हटा है और इस पर रूट आ गया है। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे साइन थीटा और टेन थीटा। तो साइन थीटा फाइंड करते हैं हम। साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आपका 4 है, और ये है आपका हाइपोटेनस, मतलब कि 4/5। नेक्स्ट हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे टेन थीटा। टेन थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर है आपका 4 और बेस है आपका 3, तो ये हो गया 4/3। अब हम क्या करते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं जो हमें शो करना है। तो ये है आपका 5 sin थीटा माइनस 3 tan थीटा। 5 multiply by sin थीटा आपका 4/5 हो गया, माइनस 3 tan थीटा 4/3। तो यहाँ पे देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया और 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू यहाँ बच के आ रही है वो आ रही है 4 - 4 = 0। यही हमें यहाँ पे शो करना था। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।